ठाकुर जी का नारद नृत्य पाठ कर रही हूँ। वाणी संख्या 8, नारित्व का अपलाप। स्मरण रखो, तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषयों में यथायथ भाव से उन्नति या वृद्धि की दिशा में परिचालित नहीं करे तो तुम्हारा नारित्व क्या समिलिप्त नहीं हुआ। वाणी संख्या 8। दान और प्राप्ति। तुम्हारे भाव भाषा एवं कर्मकुशलता जिस प्रकार होगी, तुम्हारे संसर्ग में जो ही आएंगे उसी प्रकार वे उद्दीप्त होंगे और तुम पाओगे भी वही उसी प्रकार। तुम नारी हो, प्रकृति ने ही तुम्हें वैसी गुणमयी बनाकर प्रसव किया है, समझ कर चलो। वाणी संख्या 9। वाणी संख्या 10 में है भाव भाषा एवं कर्म। भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव ही कर्म को नियंत्रित करता है और भावना से ही भाव उदित होता है। अतएव अपनी भावना को जितने सुंदर सुश्रृंखल सहज अविरोध एवं उन्नत ढंग की बनाओगी, तुम्हारी भाषा व्यवहार और कर्म कुशलता भी उतनी सुंदर अविरोध और उन्नत ढंग की होगी। वाणी संख्या 10। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु।